Assalamualaikum. In this video, I will teach you how to create screen recording app using pure JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक complete screen recording app बना सकते हो JavaScript की मदद से. जिस तरह से मैं आपके लिए tutorials जो है वो record करता हूँ, तो मैं screen record करता हूँ ना, तो same इस तरह की app हम बनाएंगे. अभी इसमें मैं माइक अलाव नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ऑडियो मैं इसके साथ अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा. इसे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो. इसमें मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो. और इससे भी पहले एक वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से आप वेब कैम के ज़रिए अपना फेस रिकॉर्ड कर सकते हो. तो आप इस स्क्रीन के ऊपर अपना फेस लगा के और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के साथ में आप माइक रिकॉर्डिंग, तीनों फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करके आप एक कम्प्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप बना सकते हैं, जिसके साथ आपके पास एक वेब कैम भी लगा होगा. लेकिन अभी आप इसको सीखो, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों को मिक्स करके आपको बताऊंगा कि आप साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करोगे और साथ में आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करोगे. आपके यानी वेब कैम आपके पास नहीं होगा, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होगी और साथ में आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी वो होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो. लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप बनाना सिखाऊंगा. तो ये भी मैं आपको इसका पहले डेमो दिखा देता हूँ. जैसे मैंने क्लिक किया स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे, ये मेरे पास आ गया. इंटायर स्क्रीन करनी है कि पूरी स्क्रीन करनी है, विंडोज इनमें से कोई विंडो करनी है, जो मेरे पास नीचे टैब्स ओपन है इनमें से कोई टैब ओपन करना है, टैब रिकॉर्ड करना है, या क्रोम टैब, कोई क्रोम का टैब जो है वो रिकॉर्ड करना है. तो आपको जो अपने यानी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो चीज़ रिकॉर्ड करनी है वो कर लीजिएगा. मैं अभी कर रहा हूँ स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन मतलब सारी स्क्रीन, जो भी मैं स्क्रीन पे फंक्शनैलिटीज अप्लाई करूँगा. उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे शेयर. अभी हमारी स्क्रीन होने लगी शेयर. अब इसको यहाँ से कर दूंगा हाइड, ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये हमारे पास ये एक अलर्ट बॉक्स ना आए. इसको यहाँ पे कर दिया हाइड. अब यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लर्न वेब डिवेलपमेंट, जैसे तरह मैं लिख देता हूँ. यह अब किया, अब सिंपली मैं और टैब ओपन करता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए. उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक किया. अब जितने भी मैंने सारे क्लिक्स किए, अब वापस आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे करूँगा क्लिक. अब जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की, अब उस जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी. अब जो मैंने यहाँ पे काम किए थे, अब नीचे आपको जो टैब है वो भी नज़र आ रहे हैं मेरे कौन कौन से नीचे टैब ओपन है. और इसको अब अगर आपने डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कॉपी वीडियो. अब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपका सेव वीडियो वाला ऑप्शन जो है वो भी आ जाएगा. यहाँ पे आप शो कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पे इसको और यहाँ पे अच्छा अभी आपके पास सेव रिकॉर्डिंग नहीं आ रही, इसको पहले चलने देखते हैं. अगर आपके पास कंप्लीट चल जाएगी तो आपको, बल्कि नहीं ये आ गया, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो. यहाँ पे आप शो कंट्रोल कर दो ना, शो कंट्रोल. अब आपके पास पहले शो कंट्रोल नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पे शो कंट्रोल करो, थ्री डॉट्स पर क्लिक करो और डाउनलोड कर लो. आप कंप्लीटली से डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ. अब मैंने इसको क्लिक किया, अब यह थोड़ा सा टाइम लेकर डाउनलोड होंगे. तो ये आपके पास डाउनलोड होके ओपन होगी जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो. अब ये देखो, इसे आप किस तरह से कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, वो मैं आपको भी बताऊंगा. उसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और उसके साथ में लाइब्रेरी ओपन करते हैं. इसके लिए मैंने HTML और CSS की कोडिंग पहले से लिखी हुई, वो मैं आपको समझा देता हूँ. जो हमारे पास index.html है, इसमें हमारे पास एक div है, उसमें क्लास लगी हुई है बटन, और बटन के अंदर दो बटन है, एक का नाम है स्टार्ट और एक ID हमने दिए स्टार्ट, और उसके अंदर लिखा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, फिर सेकंड स्टॉप और उसमें लिखा स्टॉप रिकॉर्डिंग, और जो स्टॉप रिकॉर्डिंग है उसको हमने कर दिया डिसेबल. और उसके बाद वीडियो को हमने कर दिया ऑटो प्ले, जैसे रिकॉर्डिंग जो स्टॉप हो साथ ही ऑटो रिकॉर्डिंग होने लग जाए. उसके बाद आते हैं CSS में, तो CSS में हमारे पास सिंपली ये थोड़ा सा ये लिखा हुआ कोड, एक तो स्टार मार्क लगा के बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताया कि हर आपके CSS की फाइल में होनी चाहिए. उसके बाद बॉडी का टैग, बॉडी के टैग को एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड कलर दे दिया, एक उसको जो फॉन्ट कलर है वो वाइट कर दिया, फॉन्ट फैमिली मल्ली और सैम सीरीफ, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि सारा कंटेंट जो हमारे पास सेंटर में आ जाए. उसके बाद बटन जो है उसको हमने कर दिया डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक. अभी हमारे पास नीचे वीडियो आ रही है ना, अभी स्क्रीन का साइज छोटा है तो इसलिए आपके पास इन लाइन नहीं आ रहा है. उसके बाद मार्जिन 1 em और फॉन्ट साइज 2 em, कर्सर पॉइंटर और वीडियो का जो टैग है उसको हमने एक हल्का सा बॉर्डर लगा दिया, हाइट उसको दे दी 400 पिक्सल और वेट उसको कर दी 50%, मार्जिन उसको कर दिया ऑटो. दैट्स इट, इतना स्केच टीम और CSS कोड था.
जैसे आप करोगे तो आपको ये स्टाइल डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद आते हैं स्क्रिप्ट और जीएस में। तो यहाँ पे मैं पहले कॉन्स्टेंट लूँगा, उसको नाम दूंगा स्टार्ट। अब स्टार्ट के अंदर मैं आईडी स्टोर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। कौन सी आईडी? स्टार्ट वाली। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट वाली आईडी मौजूद है, इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी। स्क्रिप्ट डॉट जीएस में आया और इसको सेव किया। अब इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। अब स्क्रिप्ट, इसके बाद हमारे पास स्टॉप। तो स्टॉप को मैं यहाँ पे आईडी स्टॉप और यहाँ पे कर देता हूँ स्टॉप, और फिर इसको डुप्लीकेट किया। उसके बाद हमारे पास है वीडियो, वीडियो को यहाँ से किया और यहाँ पे इसको भी कर दिया। अब वीडियो को मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी की बजाय मैं इसको करूँगा क्वेरी सिलेक्टर, क्योंकि मैं डायरेक्ट टैग सेलेक्ट कर रहा हूँ ना। अगर मैंने इसको भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करना है तो यहाँ पे इसको मैं आईडी लगा के आईडी इसको कर दूंगा वीडियो। तो सेम हम इस तरह से उसको सिलेक्ट कर सकें, लेकिन मैं ये इस तरह से नहीं कर रहा, मैं इसका डायरेक्ट टैग के नाम से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट के जो डोम वाला लेक्चर है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। वो आप एक दफ़ा चैनल की प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करोगे ना, आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक फंक्शन लगाऊंगा, ये हमारे पास जो स्टार्ट है, यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा स्टार्ट स्टार्ट डॉट एड इवेंट लिसनर। इसके ऊपर एक इवेंट लगा दो, कौन सा? क्लिक का। जब इसके ऊपर क्लिक हो हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म हो, एरो फंक्शन यहाँ पर लगाऊंगा और यहाँ मैं इसको यूज़ करूँगा। पहले अलर्ट लगा के इसको करूँगा चेक, सेव किया और स्टार्ट अकॉर्डिंग में ये हमारे पास अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास ठीक लग गया। और उसके बाद स्टार्ट जो है डॉट सेट एट्रीब्यूट, इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट सेट कर दो, कौन सा? डिसेबल जो है, ये हमारे पास डिसेबल लगा हुआ है ये वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको किया और यहाँ पे ट्रू, जो डिसेबल है इसका ट्रू हो जाए। जैसे उसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डिसेबल हो जाएगा, और जो हमारे पास जो स्टॉप वाला है इसको हम कर देंगे इनेबल। तो यहाँ पे सेट के बजाय यहाँ पे लिखूँगा मैं रिमूव और इसको ट्रू कार्ड भी देता, अभी काम कर जाएगा। इसको क्लिक किया, अब नीचे वाला हमारे पास इनेबल हो रहा है और ऊपर वाला हमारे पास डिसेबल हो रहा है। ये देखिए, इसको क्लिक किया, नीचे वाला हमारे पास इनेबल हो गया। अब यहाँ पे एक मैं फंक्शन रन कर दूंगा, फंक्शन का नाम यहाँ पर रखूँगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और इस फंक्शन को मैं ऊपर डिफाइन कर लूँगा, नीचे कर लो या ऊपर कर लो। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा साथ में एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो मैं करूँगा, और इसके अंदर मैं प्रॉमिसेस यूज़ करूँगा। अगर आपको प्रॉमिसेस का नहीं पता तो प्रॉमिसेस के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, वो भी आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। अच्छा, इसके साथ आपने फंक्शन जो है लिखना है, कीवर्ड भी लिखना है फंक्शन और एसिंक्रोनस फंक्शन। इसमें मैं यूज़ करूँगा स्ट्रीम हमारे पास इक्वल है अवेट, यहाँ पे मैं अवेट, और उसके बाद डॉट नेविगेटर। अच्छा, अवेट और इसमें यहाँ पे स्टोरेज स्पेस देंगे, डॉट नहीं आएगा। अवेट नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस, और उसके बाद गेट डिस्प्ले मीडिया, डिस्प्ले मीडिया, स्पेलिंग आपने सही से लिखनी है, और इसके अंदर करली ब्रैकेट्स, और इसको आप कर लेंगे चेक। एक दफा स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, ये हमारे पास स्क्रीन आ रही है, इसका मतलब ये हमारे पास ठीक काम कर रहा है। अब इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा वीडियो, और वीडियो में मैं यूज़ करूँगा जो हमारे पास है इसकी मीडिया सोर्स है, वो हम यूज़ करेंगे इसका स्क्रीन मीडिया और मीडिया सोर्स। यहाँ पे इसका जो एम है वो मैं स्मॉल कर देता हूँ और इसको मैं इक्वल कर दूँगा, इसको मैं सेमी कोलन लगा के, और इसके अंदर मैं लिखूँगा स्क्रीन, क्योंकि हमने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। यह आ गया। अब इसके बाद जहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रीम ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक लगाऊँगा रिकॉर्डर, एक समय ये एक तरह से हमारे पास वेरिएबल की तरह काम करेगा रिकॉर्डर, और इसको मैं कॉल कर लूँगा न्यू मीडिया रिकॉर्डर, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा स्ट्रीम, जो हमारी स्ट्रीम होगी उसको ये रिकॉर्ड करेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और कॉन्स्टेंट लूँगा, उसको नाम दूँगा मैं चंक्स, और चंक्स को मैं यहाँ पे एरे इसका एम्प्टी कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डर
dot on data available, on data available, और इसके मैं पैरामीटर दूंगा e और एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसको मैं कॉल करूँगा चंक्स डॉट पुश डॉट पुश और इसके अंदर e डॉट डाटा। अब जो भी डाटा होगा इसको रिकॉर्ड कर रहा होगा तो वो उसको ये जो एरे है चंक्स इसके अंदर पुश करेगा, और उसके बाद रिकॉर्डर डॉट ऑन स्टॉप, यदि अब जो हमारा रिकॉर्डर है वो स्टॉप हो तो तब हमारे पास क्या हो, यहाँ पे एक पैरामीटर से देंगे e और एरो फंक्शन, इसके अंदर मैं कॉन्स्टेंट यूज़ करूँगा, उसको मैं नाम दूंगा कंप्लीट ब्लोब, कंप्लीट ब्लोब, और इसमें मैं यूज़ करूँगा न्यू ब्लोब। अब ब्लोब जो है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसके ज़रिए हम फाइल्स को कंट्रोल करते हैं, ऑडियो फाइल हो या वीडियो फाइल हो उसकी जो हमारे पास टाइप है वो हम इसके ज़रिए जो है वो बना सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और चंक्स, और चंक्स का जो एरे है उसके अंदर हमारे पास जो भी डाटा स्टोर होगा उसकी टाइप, और टाइप उसकी हम करेंगे यहाँ पे एरे लगा के जीरो डॉट और फिर टाइप करके छोड़ देंगे, और क्योंकि इसको हम एक एड्रेस बार के अंदर दे देंगे। अच्छा जी, टाइप्स चंक्स, और इसमें मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के यहाँ पे यूज़ करूँगा चंक्स एरे, या टाइप इसकी चंक्स, चंक्स के अंदर एरे जो भी इसके अंदर डाटा होगा वो इसकी टाइप होगी, और यहाँ मैं उस जो डाटा है उसको मैं यूज़ करूँगा SRC में। ये हमारे पास वीडियो है ना, वीडियो डॉट SRC, और SRC के अंदर लिखूँगा मैं URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, और कौन सा URL, ये कंप्लीट ब्लॉब वाला। अब ये क्या करेगा कि जो इसके अंदर URL बांध रहा है पहले, यानी जो वीडियो रिकॉर्डर है वो गया, उसने चंक्स के अंदर अपना डाटा पुश किया, और जो जो चंक्स है उसने अपना जो डाटा है वो ब्लॉब के अंदर पुश किया, उसको एक फाइल टाइप बना दी वीडियो की, और जो हमारे पास वो टाइप बनी उसको हमने वीडियो के SRC में पुश कर दिया। मतलब जब हम किसी भी वीडियो टैग में कोई वीडियो चलाते हैं तो उसके अंदर SRC, मतलब उसका जो सोर्स है वो हम देते हैं कि कहाँ से वीडियो आ रही है, तो यहाँ से कंप्लीट जो रिकॉर्डिंग होगी उसको ये पुश कर देगा उस वीडियो के सोर्स के अंदर। और इसके बाहर जो बाहर है यहाँ पे ऑन स्टॉप के बाद रिकॉर्डर को हम कर देंगे स्टार्ट, रिकॉर्डर डॉट स्टार्ट स्टार्ट। यहाँ से अब हमारे क्या होगा, ये सारी जब फंक्शनैलिटीज ट्रू हो जाएंगी हमारा रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट किया, शेयर पे क्लिक किया, अब हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होगी। तो मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ और इसको कर देते हैं रीलोड, और यहाँ पे ऑन स्टॉप, ये हमारे पास जब स्टॉप पे क्लिक करें जब भी रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी, तो यहाँ पे स्टॉप को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे आते हैं स्टॉप डॉट एड इवेंट लिसनर, इस स्टॉप के ऊपर जो स्टॉप वाला बटन है उसके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाओ, कौन सा क्लिक का, CLI से एड इवेंट लिसनर और क्लिक, और इसके अंदर मैं सेम एरो फंक्शन लगाऊंगा, इसके अंदर भी पहले आधार लगा के इसको चेक कर लेते हैं, सेव किया और अलर्ट डाला, मतलब ठीक है। अच्छा, इसको भी हमसे किया ख़त्म। अब यहाँ पे करूँगा रिकॉर्डर डॉट स्टॉप, रिकॉर्डर स्टॉप के जब इस पे क्लिक हो तो रिकॉर्डर जो वो स्टॉप हो जाए, और जो हमारे पास स्ट्रीम है उसका गेट वीडियो ट्रैक, गेट वीडियो वीडियो ट्रैक्स, और यहाँ पे आर इसका होगा स्मॉल, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट्स, और उसके बाद एरे डॉट स्टॉप, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, सेव किया। अब स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, अब ये हमारी स्क्रीन शेयर होने लगी। अब यहाँ से मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका URL बनना चाहिए, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है उससे मैं भी देख लेता हूँ, कंसोल, और यहाँ पे रिकॉर्डर डॉट स्टॉप मीडिया रिकॉर्डर इज इनएक्टिव। ये तो हमारे पास जो एरर आ रहा था ना वो ये था कि हमने वीडियो डॉट वीडियो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड के अंदर हमने स्टॉप ही लिखा रहने दिया, इसके अंदर हमने वीडियो वाला जो टैग है वो पेस्ट करना था। अगर आप प्रीवियस देखोगे तो स्टॉप को जब मैंने डुप्लीकेट किया
तो उसके अंदर मैंने वीडियो वाला एलिमेंट नहीं लगाया। ये देखें आप, यहाँ पे हमारे पास वीडियो है तो हमने वीडियो वाला टैग यहाँ पे लगाना था, वो उसी तरह से जिस तरह से स्टॉप था वही लगा रहने दिया। अब मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और स्क्रीन शेयर करूँगा, आज जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो आ गई, जो वीडियो हमने यानी अभी इतने सेकंड में जितनी हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड हुई वो यहाँ पे आ गई। अब इसको रीलोड करते हैं। अब हमारे रह गए ये बटन्स, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे करूँगा, अब इसको यहाँ से करूँगा कॉपी पूरे कोड को और नीचे कर दूँगा। अब सिंपली हमने क्या करना है, स्टॉप को आपने ऊपर कर देना है और जो आपके पास जो स्टार्ट वाला बटन है उसको आपने यहाँ पे नीचे लिख देना स्टार्ट, दैट्स ऑल। अब इसको सेव किया, अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया और ये हमारे पास रिकॉर्डिंग होने लग गई। जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा तो ये बटन हमारे पास रिकॉर्डिंग वाला ये हमारे पास इनेबल हो गया और ये हमारे पास डिसेबल हो गया। अब जब आप राइट क्लिक करो तो यहाँ से आप वीडियो को सेव भी कर सकते हो और शो कंट्रोल करके आप इसे चला भी सकते हो, वैसे ऑटोमेटिकली भी ये चलने लग जाएगी। सेव किया, अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग और शेयर, मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग करके। अब जितना भी कोड है वो सारा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये और ये हमारे पास इसका कॉन्सोल डॉट लॉग, ये हमारे पास डायरेक्टरीज। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, वापस आया स्टॉप शेयरिंग, तो ये हमारे पास आ गया। अब जितना मैंने यहाँ पे काम किया वो सारा आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा, जितनी इतनी देर के अंदर जितनी मैंने मूवमेंट्स की हैं। और देखो कंसोल डॉट लॉग आपको सारे डायरेक्टरी ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो ये नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करो, आपके थम्स अप से जो है वो कोई आप कमज़ोर आपने कमज़ोर नहीं हो जाना, लेकिन इससे हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि हमारे वीडियोस जो लोग हैं वो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस लाइक करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो सीखना चाहते हो, इस तरह के प्रोजेक्ट सीखना चाहते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियोज़ कैसी लगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।